अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम बात करेंगे मधुमेह यानी शुगर पेशेंट के डाइट के बारे में। शुगर पेशेंट को अपने डाइट में क्या लेना चाहिए और क्या सब नहीं लेना चाहिए, इन सब टॉपिक पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग शुगर पेशेंट को क्या लेना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले आपको 2 गिलास या 1 गिलास आप अपने क्षमता के अकॉर्डिंग गुनगुना पानी पिए। उसके बाद आप फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद जब आप नाश्ता करते हैं यानी आपका नाश्ते के जो टाइमिंग है, आप उस समय ब्रेकफास्ट में आप इन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। जैसे आपको अंकुरित मूंग लेना है, 1 कटोरी आप अंकुरित मूंग लें। उसमें आप प्याज, धनिया, टमाटर, खीरा, स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप नाश्ते में इनको यूज़ करें। आप अंकुरित मूंग की जगह अंकुरित चना भी यूज़ कर सकते हैं। आप डेली ब्रेकफास्ट में 1 कटोरी अंकुरित चना लें। उसमें आप प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर, खीरा, स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। रोज आप ब्रेकफास्ट में इसको शामिल करें। अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद चाय पीने के शौकीन हैं तो आप पुदीने वाली चाय या फिर आप लेमन टी को यूज़ कर सकते हैं। याद रहे, चाय बनाते समय आप शक्कर का यूज़ ना करें, यानी विदाउट शुगर वाला चाय पिए। पुदीने वाली चाय में भी आप किसी तरह का पत्ती का यूज़ ना करें। पुदीना और पानी को अच्छी तरीके से उबाल लें। इसमें किसी भी तरह का शक्कर या कोई चीज़ ऐड नहीं करना है। फिर आप चाय के रूप में इसे ले सकते हैं या फिर आप लेमन टी ले सकते हैं। लेमन टी भी विदाउट शक्कर वाला ही यूज़ करें। शुगर वाले पेशेंट को लंच में क्या लेना चाहिए। जैसे 2 या 3 गेहूं की चपाती या फिर जौ की चपाती लें। दाल, किसी भी प्रकार के दाल ले सकते हैं, चाहे वो चना दाल हो या मसूर दाल हो। करेला, बैंगन, टिंडा, लौकी, सहजन, तुरई, इन सब चीज़ का सब्जी आप यूज़ कर सकते हैं। सलाद में आप खीरा, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है शुगर वाले पेशेंट को डिनर यानी रात के खाने में क्या सब लेना चाहिए। जैसे 2 या 3 मक्के की चपाती लें। साग, सीजन में मिलने वाले जितने भी साग हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं। राजमा, लौकी की सब्जी, परवल, फूल गोभी, सोयाबीन, शिमला मिर्च, इन सब का सब्जी बना के आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। रात में सलाद के रूप में आप प्याज, टमाटर, सलाद पत्ता, इन सब को यूज़ कर सकते हैं। शुगर वाले पेशेंट को कौन सा फल खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। जैसे संतरा, एप्पल, नारियल, पपीता, इन सब को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कौन सा फल शुगर वाले पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। जैसे तरबूज, खरबूजा, खजूर, अमरूद, अंगूर, स्वीट पोटैटो, मैंगो, पोटैटो, मार्केट में मिलने वाला मिठाई, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी, ये सब चीज़ शुगर वाले पेशेंट अपने डाइट में शामिल ना करें। शुगर वाले पेशेंट मंथली 1 टाइम अपने डाइट में मीट, मछली, ब्राउन राइस को शामिल कर सकते हैं। अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर आप मंथली भी आप इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल ना करें। अब बात आती है रोजाना शुगर वाले पेशेंट को कितनी देर सोना चाहिए। शुगर वाले पेशेंट को रोजाना करीब रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए और रोजाना 30 से 40 मिनट का वॉक करें। अगर आप हमारे बताए हुए डाइट को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका शुगर 1 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा शुगर वाले पेशेंट को अपने डाइट पे क्या सब लेना चाहिए और क्या सब नहीं लेना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कॉमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।
बस आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हेल्थी रहें। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप सबका शुगर जल्द से जल्द कंट्रोल हो। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर, गुड बाय।